काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि CUET PG जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है CUET PG का। अब इसके बेसिस पे आपके स्कोर अलग अलग, बच्चों की इंक्वायरीज हैं, सबका अलग अलग स्कोर आ रखा है। तो हम लोग यहाँ पे CUET की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा गाइडेंस वाला वीडियो है। यहाँ पे यूपी के कई आपके जो कॉलेजेस हैं, जैसे आपके कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, IIT लखनऊ है, HBTU कानपुर है, इनके अंदर भी आपको MCA प्रोग्राम मिल जाता है। और इनका MCA प्रोग्राम इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे BTech जो CS है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको MCA भी अच्छा मिल जाता है। तो मोस्टली आप उन कॉलेजेस को टारगेट करें, जो भी आपके कॉलेजेस जहाँ पे बीटेक का कोर्स अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बीटेक के कोर्स में अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही हैं, उन कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है और वही आपके अच्छे कॉलेजेस होंगे। क्योंकि अगर आप MCA के लिए अलग से कॉलेज देखेंगे तो जितने आपके NITs हैं, जिन NITs के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर MCA अवेलेबल है, उनका एडमिशन प्रोसेस NIMCET के स्कोर से होता है। तो NIMCET की काउंसलिंग आपकी अलग होती है। अगर आपने NIMCET का एग्जाम नहीं दिया है तो CUET इज़ द ओनली ऑप्शन। CUET एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप MCA और MBA कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट AKTU के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे CUET की जो काउंसलिंग है वो गोइंग ऑन है। और इसकी जो डेट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपके देख लीजिए, 10 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चलने वाला है। और इसके साथ आगे जो चॉइस फिलिंग होगी वो बीटेक के साथ में होगी। तो लगभग 17 जुलाई 17th ऑफ जुलाई से 21st जुलाई के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग होगी, जिसमें आप कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करेंगे। अब MCA और MBA वाले जो CUET के जो कैंडिडेट्स हैं, PG वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि प्रॉपर कहीं पे भी रैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं होता है कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पे है, किस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है। तो उसके लिए आप पर्सनलाइज बेसिस पे गाइडेंस सपोर्ट ले सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड कर देंगे कि आपके स्कोर के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली कॉल करके हेल्प ले सकते हैं और इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो CUET PG के स्कोर से आपको यूपी के अंदर मिलने वाले हैं? HBTU की अलग से काउंसलिंग हो रही है, तो जो कैंडिडेट HBTU में अप्लाई करना चाहते हैं वो CUET PG के स्कोर के बेसिस पे HBTU की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। और MMUT के अंदर भी आपको एक MCA कोर्स मिल जाता है, तो MMUT HBTU इन दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होगी, जिसके लिए अलग से आपका फॉर्म फिल करना होगा, उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। एक प्रॉब्लम आएगी कि आपने एग्जाम तो दिया है लेकिन जब आपने अपना CUET का फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पे अगर आपने AKTU को सिर्फ अपना ऑप्शन फिल किया होगा, आपने HBTU को नहीं सेलेक्ट किया है, तो HBTU की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपने MMUT को ऑप्शन में फिल किया होगा CUET का फॉर्म भरते टाइम, उसका जो पेपर कोड है, जो पेपर कोड डाल के आपने जैसे सिलेक्ट किया होगा, AKTU का पेपर दिया होगा, इसी तरीके से फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको HBTU का पेपर कोड डालना था, MMUT का पेपर कोड डालना था, या अदर जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड थे उसके लिए पहले से ही ये लोग अपना एक पेपर कोड सिलेक्ट करवाते हैं। अगर आपने वो फिल नहीं किया होगा तो आप इनकी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, आपका आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो आपके लिए जिन कैंडिडेट ने AKTU का ऑप्शन लिया है वो आप AKTU में कर पाएंगे, और अगर आपने और भी ऑप्शन सेलेक्ट किए थे पहले तो उनको भी आप आगे रजिस्ट्रेशन करके उनमें भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो टॉप 10 आपके कॉलेजेस हैं वो IIT लखनऊ आपका डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, प्राइवेट में JSS नोएडा, GL बजाज, गलगोटिया, ठीक है, अजय कुमार गर्ग, काइट गाजियाबाद, इनके अंदर जो आपका MCA प्रोग्राम मिल जाता है वो भी आपको एक ठीक ठाक प्लेसमेंट ऑफर करते हैं और एक मीडियम रेंज में, आपकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होती है। इनका MCA इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो बीटेक वाली फैकल्टी है वही आपको MCA प्रोग्राम में भी पढ़ाती है, क्योंकि MCA में भी आपको कहीं ना कहीं कोडिंग और सॉफ्टवेयर एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी पूरी पढ़ाई होती है। तो इसलिए आपको जहाँ बीटेक CS ठीक मिलेगा वहाँ MCA का कोर्स भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी रेस्ट आपका डाउट या इंक्वायरी है, कुछ भी आपके मन में डाउट है, प्रोसेस में दिक्कत आ रही है काउंसलिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग, तो टीम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।